मैंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल और मेरे बिया ने इंस्पेक्टर होते हुए कोई कारनामा सारे अंजाम नहीं दिया, बल्कि सिर्फ अदालत की मदद करते हुए एक बर्दा फरोश को मौत की सजा दिलवाई है, जो हमारा फर्ज था। मिसेस जरी जमाल, आप इस मुकदमे में खिलाफ मामूल बहुत जज्बाती क्यों हो गई? इसलिए कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ और उन माओं की आहें भी सुन सकती हूँ जिनकी गोद खाली हो जाती है और कोख जल जाती है। मैंने अदालत में माओं की यही आहें, बहनों की यही चीखे और वालदन की यही सिसकियां पेश की और इंसाफ मांगा, जो मिल गया। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए, स्कूल में छुट्टी का वक्त हो गया है और मुझे अपने बेटे को लेना है। शुक्रिया।
तामील करते हुए इंस्पेक्टर जमाल और बेगम जर्री जमाल के बेटे को अगवा कर लिया गया है। तुम्हारी लाश को कब्र में उतारते वक्त मैंने ये कसम खाई थी कि तुम्हें फांसी दिलवाने वालों को अजाब की सूली पर लटका दूंगा, और जब तक ये नहीं हो जाता अपने आप को इसी तरह सजा देता रहूंगा। और आज उनकी ये सजा उनके बच्चे के अगवा से शुरू हो गई है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे भाई। और उनका ये अजाब मेरी मौत के बाद भी खत्म नहीं होगा। मकरान खान सेठ अब्दुल रहमान बनकर उनसे दोस्ती करेगा और हमदर्दी के नामों से उनके दाम उधेड़ता रहेगा। ऐसा ही होगा मेरे भाई। मगर वो गफलत हर किसी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से मैं पकड़ा गया था और मौत की सजा पाई। नहीं, मेरे कैंप से कोई नहीं भाग सकेगा क्योंकि मैं भागने वालों को अपना कातिल समझूंगा। इस इरादे को फैसला बना लिया तो कामयाब रहोगे। निकाल लाए हो मैं
ऐसा नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये जुल्म न करना, ये जुल्म न करना, नहीं नहीं, बदनसीबी की ये मोहर इसे न लगाना, इसे न लगाना, नहीं नहीं नहीं, इसे न लगा, नहीं 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 नहीं, इसे नहीं। नहीं जाऊंगा, मैं बहुत थक गया हूं, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मेरी जंजीरें खोल लो, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। खबरदार, अगर तुमने बाबा पर हाथ उठाया तो बाजू तोड़ दूंगा। 303? हाँ, 303। तुम अच्छी तरह जानते हो 303, हर आदमी अपने हिस्से का काम करता है और जो काम से इनकार करता है उसकी सजा तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं बाबा के हिस्से का काम भी कर सकता हूँ, मगर खाना तुम्हें सिर्फ तुम्हारे ही हिस्से का मिलेगा। जो काम नहीं करेगा वह भूखा रहेगा। जो लोग मेहनत बांट सकते हैं वो भूख भी बांट सकते हैं। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी तरह दूसरों का दुख दर्द बांटने वाले होंगे।
मुझे तो बस इतना याद है बाबा, उन्होंने मुझे बचाते हुए अपनी जान दे दी। जालिम है ये लोग जो हमसे हमारी कब्रें खुदवा रहे हैं। ओए, तुम काम करोगे या बक बक करोगे? बक बक तुम कर रहे हो। और तेरी तो मैं गाली देता है। तुमने कभी मौत की शक्ल देखी है? हम उसे बंदूका कहते हैं। तुम्हें इस जुर्म में उसके सामने पेश भी किया जा सकता है। नहीं, मकरान खान के खून से बुझेगी। मकरान खान है कौन? वही तो है असली जालिम, जो बच्चे अगवा कराता है और उनके मां बाप को कत्ल कर देता है। कई बार भागने की कोशिश में उनको पहुंच गया हूँ। ये बंदूका उसका साथी है? उस जंगली जानवर का नाम न लो, तुम्हें नहीं पता वो क्या बला है। उससे तो जुल्म भी बला मांगता है। देखोगे तो डर जाओगे तुम। अच्छा अच्छा, लो तुम खाओ। तुम मुझे रोटी यूं खिला रहे हो जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिला दिए। ये किसके कपड़े हैं दरी? मेरे बेटे के। आप तो जानते हैं उसकी हर सालगिरह पर उसके लिए नए कपड़े सिलवाते हैं। जरीन, 15 साल से उसके लिए कपड़े सीकर अपने जख्म उधेड़ रही हूँ। हर साल केक की जगह तेरा दिल कटता है। कितना गहरा है तेरा जख्म, कितना बड़ा है तेरा दिल। जमाल, मैं एक माँ हूँ, मैं कैसे भूल जाऊँ उस दिन को, उस दोपहर को जब वो बिछर गया था। अब तो सुबह चल चुकी है, शाम होने वाली है, अब तो उसे आ जाना चाहिए। जल्दी, मैं समझता हूँ तेरे जज्बात को, लेकिन याद रखो आज भी हमारे जिस्मों में उसकी खुशबू है। वो हमारी सांसों में सांस लेता है, धड़कनों में धड़कता है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ उस संदेश के साए भी तबील होते जा रहे हैं कि खुदा ना खास्ता। सब मत कहो, जब तक मैं अंदर धड़क रहा है उसे कुछ नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम।
सलाम, आइए सेठ रहमान साहब, तशरीफ रखें। बहुत दिन बाद आए, कहाँ रहे इतने? जमीन खरीदी थी और कुछ आसमान भी खरीदना चाहते हैं? नहीं, एक गंदी मंदी गरीब लोगों की बस्ती खरीदी है जहाँ वो नाजायज कब्जा किए हुए हैं। लेकिन रहमान साहब, आप उस बस्ती को खाली कैसे करा सकते हैं? हो जाती है, कुछ दे दिलाकर और कुछ डरा धमका के। डरा धमका के? कुछ इंसानी तकाजे भी होते हैं रहमान भाई। भाभी जान, आप इन गंदे मंदे लोगों को नहीं जानते, इनमें बेशतर जराइम पेशा और पर्दा फरोश होते हैं जो प्यारे प्यारे और मासूम बच्चों को अगवा कर लेते हैं और फिर उनके नन्हे नन्हे बाजू और गीली शाखों जैसे टांगे तोड़कर उनको रेडियो में डाल लेते हैं और फिर शहर शहर भीख मांगते फिरते हैं। रहमान भाई, ओ माफ कीजिएगा, मुझे आपके साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मगर भाभी जान, मेरे एक अजीज का 5 साल खूबसूरत खूल जैसा बच्चा आज से 15 साल कबल बिल्कुल आपके बच्चे की तरह बाग में गुब्बारों के साथ खेल रहा था कि I am very sorry sir. मन्ने को रंग कहो जहा लै मई अज ताजी, बस इस तरह का दिता जी उन्हें। घोड़े ना क्या करे, मैं क्या उस्ताद, वो सिर्फ तेन देख के घुगू कहती है। अच्छा, तो तानू वेख के घोड़े कहती है? दलीलो कमीने, दुपट्टा भूआ का साड़ दिता जे दलीलो, बेबे नू वेखी जांदे हो। उस्ताद जी, वो तुहानू वेख के कहती तुहाडा उस्ताद इंज जिवें गरीब मुल्क का बंब हुंदा। अच्छा, ये भैन तेरी तेरे नाल ही सिलाई पैंदी, उन्हें पता नहीं कि अमीर मुल्क है कि गरीब मुल्क। उस्ताद जी, मेरी यह जी भैन होंगी तो उन्हें मैं हथी मार देना सी, तुहानू नहीं सी देनी। मैनू नहीं सी देनी, मैनू दे देना तां वी मारी जानी सी। तुम्बा आ गया सिर्फ ले लवाला, अरे सौदा बेचता दिला दे मिल वाला। अरे ओ तुम्बे, हां बाली, कोई नया तरबी लाया है कि वही सब के सब पुराने हैं सारे? हाय हाय हाय, अरे बाली तेरी भी वो पुराने ही बातें रही। अरे तू समझती नहीं, अतर और दोस्त जितना भी पुराना होगा उतनी ही ज्यादा खुशबू देगा। बहुत बुरा। कौन? अतर और कौन? तुम बारे में भी दूसरा देखो ना, ये बुरा है तो क्या हुआ, ये वलैती है वलैती, बारे से लाया है समुंदर खां, बहुत बिनते करके उससे लिया है, ये जरा टेस्ट करना। तो अच्छा, मगर दाग लगा देगा। लो जी, निकला है जी गुल्ली डंडा। असी तो एवं जलील हों, एक दुपट्टा काकी का रंगना पैंदा ते दो दुपट्टे वो मुंडे के रंगने पैंदे ने। मुंडा मुंडा एक पता नहीं, मुंडी एक कूड़ा एक पीड़ी एक की है पता नहीं। चलो अपने अपने पुरजे छड़ दियो तो खलो जाओ। हाँ हुण मैनू जरा दसो, हाँ मैं जो होया तुहाडा उस्ताद ते की लगा? ते ओ जो होई तुहाडी उस्तानी ते की लगी? इत्थे पक्के रहना होना। ओ बस मुंह चो निकल गया, पक्के रहांगे। हां यार, एक गल दा पता लगा है कि कोई बंदा ये बस्ती खरीदण नूं फिरदा है। ते तुसीं फिकर ही ना करो उस्ताद, गल सुणा है, असीं दोवें यानी कि तुहाडे मां प्यो तेरे आसे पासे होईए ते इह बस्ती विकणने च देणी, नहीं तां मैं तुहाडे टब्बर भेज देवांगा। उस्ताद जी, तुसीं फिकर ही ना करो, मैं पूरी बस्ती दी रिपोर्ट रखांगा और तुहानूं देवांगा। अच्छा। बल्कि मैं इत्थे छट्टा लावांगा। ओ छट्टा किस हिसाब च लाएगा? तेरी फुफी इलैक्शन ते खलोण डई, छट्टा लाएगा। चलो एलो फड़क ने जोड़ो ते टुकड़े पाओ। अच्छा जी, ¶¶
303। मुझे बताया गया है कि तुम दो आदमियों का काम करते हो और आधा खाना खाते हो और सजा का भी तुम्हें कोई खौफ नहीं। आज के बाद इस कैंप का हर शख्स दो आदमियों का काम करेगा और खाना भी आधा खाएगा। कोई भी शख्स काम नहीं करेगा। मुझे ये तुम्हारा अंदाज पसंद आया। जो भी इनकार करता है मैं उसे हमेशा के लिए खून में डुबो देता हूं। मुझे घर जाने दो, मैं बहुत थक गया हूं। मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। घर? घर तो गहरी नींद में सोए हुए बच्चे का ख्वाब होता है। ये क्यों नहीं कहता कि तू ख्वाब देखना चाहता है? मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे घर। घर जाना चाहते हो, ठीक है, जाओ, हम तुम्हें घर भिजवा देते हैं। तुम्हारी रफ्तार 10 मील फी घंटा से ज्यादा नहीं है। 303। बर्फ में चीता 40 मील की रफ्तार से भाग सकता है, लेकिन
मुझसे बच नहीं सकता। यहां से सिर्फ वो ही भाग सकता है जिसकी रफ्तार गोली से ज्यादा तेज हो। तेजी गोली में नहीं होती, उस बारूद के सीने में होती है जो गोली की कैद से आजाद होना चाहता है। लेकिन आजाद हो नहीं सकता, अपने आप को तबाह कर लेता है। उसकी खैर इसी में है कि गोली की कैद में रहे, ताकि तुम उसे जब चाहो जैसे चाहो और जहां चाहो इस्तेमाल कर सको। बिल्कुल यही इरादा है, मैं तुम्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। एक दिन आएगा कि तुम इस कैंप के पहरेदार होगे। वो दिन कभी नहीं आएगा। वो दिन आज का भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त मैं जा रहा हूं, 7 दिन बाद फिर आऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। उस वक्त तक तुम्हारे सीने में जितना बारूद है जाया हो चुका होगा। इसे पहाड़ी वाले कैंप में ले जाओ। जामी, तुम ठहरो, निगरान का ये फर्ज है कि कोई शख्स भागने का ख्वाब भी न देखे। मगर इसे पकड़कर भी तो यही लाया है जी। किसने कहा था इससे? मैं खुद गया था जी। अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, जुर्म की सजा से बचने के लिए।
खिड़की के रास्ते से नहीं, सीधे रास्ते से जाओ। आप इसे जानती हैं कौन था? भूखा था। आपको इसे देखकर डर नहीं लगा? वो तो खुद इंसानों से डरा हुआ लगता था बेचारा। भाभी जान, आपने तो कुछ खाया नहीं। आज तो आपने खिलाया भी बहुत है और हंसाया भी बहुत है। ये फैक्ट है, मैंने बहुत अरसे बाद इसे हंसते हुए देखा है। तो बस फिर हर जुमे की शाम में आपको खिलाया भी करूंगा और हंसाया भी करूंगा। मैं चाहता हूं आप अपने सारे गम भूल जाएं और खुश रहा करें। जो मिलते हैं वो बिछड़ते भी हैं, जो पैदा होते हैं वो मरते भी हैं। मैं जानता हूं औलाद का तो कितना तकलीफ दे होता है। आओ बेटी, कैसी रही सहेलियों के साथ तुम्हारी आउटिंग? बहुत अच्छी डैडी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटी। जमाल साहब, आपसे एक इंस्पेक्टर साहब बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? एक गरीब मजदूर कत्ल हो गया है साथी, एक बेवा मां का सहारा छीन लिया गया है। इसकी किसी से कोई दुश्मनी? गरीब की दुश्मनी तो सिर्फ गुर्बत से होती है साथी। ये जुल्म हम गरीबों को डराने के लिए किया गया है। डराने का मकसद? मकसद तो यही हो सकता है साहब जी कि हम गरीब लोग अपनी जानें बचाने के लिए ये बस्ती छोड़ दें। तुम में से कोई उनकी निशानदेही कर सकता है? साहब, हमने उसको देखा है। जी जी, मैं बता सकती हूँ। कुछ हमने भी देखा है साहब जी। तुम सबको हमारे साथ थाने चलना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं जाएंगे। मैं किसी और माँ को बेसहारा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। जो लोग कानून की मदद करेंगे, कानून उनकी हिफाजत करेगा। माँ जी, आपके साथ इंसाफ होगा। इंसाफ? तो फिर इंसाफ से कहो कि उसी तरह रात के अंधेरे में मेरा दरवाजा खटखटाए और मुझे मेरा बेटा दे जाए, मेरा बेटा दे जाए। तुमने अपनी बेटी की लाश तो देख ली है माँ, उसकी कोई कब्र तो बना सकोगी? मुझे देखो, मेरे दिल में जो अपने बेटे के लिए कब्र है वो मेरी गोद की तरह खाली है। मैं तो उसकी कब्र पर मिट्टी भी नहीं डाल सकती, मिट्टी भी नहीं डाल सकती, मिट्टी भी नहीं डाल सकती। अस्सलामुअलैकुम। आप? एक जरूरी काम से आया हूँ। फरमाइए। बस्ती में कत्ल के सिलसिले में मेरे कुछ बेगुनाह मुलाजिम पकड़ लिए गए हैं। मेरे वकील ने उनकी जमानत पर रिहाई के लिए दरखास्त दायर की है, आज उनकी समाअत है। एक सरकारी वकील की हैसियत से मुझे सब मालूम है। जो कुछ कहना है जल्दी कह दीजिए, मुझे देर हो रही है। मैं चाहता हूँ आप ये दरखास्त मंजूर होने दें, ज्यादा मुखालफत ना करें। रहमान साहब, आप सामने वो तराजू देख रहे हैं? ये इंसाफ की अलामत है। हम दोनों मियां बीवी से देखकर रोज घर से बाहर निकलते हैं, मगर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वापसी पर हमें इसे नजरें चुरानी पड़े। तो क्या आप? जी, मैं मुलजिमों की हिमायत नहीं कर सकती। वो बिल्कुल बेकसूर है।
इसका फैसला अदालत करेगी। और हाँ, एक बात और याद रखिए, इस घर के दरवाजे के साथ एक घंटी भी लगी है। माफ कीजिएगा बेगम धनी जमाल, मैं जरा जल्दी में था। जी हाँ, माशरे की तमाम खराबियों के पीछे यही जल्दबाजी काम कर रही है। चलिए। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का क्या मौकिफ है? मुलजमों की जमानत पर रिहाई इंसाफ की राह में रुकावट बन सकती है जनाबे अली। उन्हें इस कानूनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता जनाबे अली। वो गवाहों को डरा धमका सकते हैं, चुनाचे जरूरी है कि तहकीकात की तकमील तक मुलजमान पुलिस की हिरासत में रहें। उनका पुलिस की तहवील में रहना हब से बेजा है। ये कत्ल का मुकदमा है। ये तमाम मुकदमा मफरूजों पर मबनी है जनाब, कोई एक भी चश्मदीद गवाह नहीं है, FIR में इनके नाम तक दर्ज नहीं है। इस शुबे को भी बेबुनियाद करार नहीं दिया जा सकता जनाबे आली, कि ये कत्ल बस्ती के लोगों में दहशत पैदा करने के लिए किया गया है। एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, कि तमाम माएं डर जाए और अपने बच्चों को लेकर बस्ती खाली कर जाए। ये एक अफसोसनाक हकीकत है जनाब, के वकील सरकार के साथ 15 साल पहले एक दर्दनाक हादसा पेश आया था। और ये कुदरती बात है कि इसका असर अभी तक इनके जहन पर है। मगर जनाब, हमें हर उस केस को जाती जज्बात से अलग होकर सही कवायफ, नो पर्सनल रेफरेंस, I am sorry sir। मगर मुझे फाजिल वकील के इस इल्जाम से इनकार नहीं है। माँ हर जगह हर हालत में माँ ही रहती है, और मेरे नजदीक कानून भी एक माँ है, और इस माँ के जज्बात का इत्राम लाजिम है। मुतअद्दद आला अदालतों के इन फैसलों का इत्राम भी लाजिम है जनाब, जिनमें कत्ल के नामजद मुलजिमों को भी जमानतों पर रिहा किया गया। जमानत की दरखास्त मंजूर की जाती है। थैंक यू। जरीन बेगम आइए, देर हो रही है। मिलॉर्ड, कंसेंस प्रेजेंट। वेरी गुड, आइए तशरीफ रखें, नाश्ता करें। वकालत का अपना ये पुराना शौक उतारे, कोट पहने, इसलिए कि अदालत का वक्त हो रहा है। आज तक हम तराजू के एक ही तरफ थे, आज घर से बाहर हमारे रास्ते जुदा होते हैं। क्या मतलब? मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करने का फैसला किया है। क्यों? इसलिए कि मैं सरकारी वकील के तौर पर बस्ती वाले रफीक के कत्ल का केस ऑलमोस्ट हार चुकी हूँ। ये मुकदमा गवाहों की कमजोरी की वजह से कमजोर हुआ है। बस्ती के लोग गुंडों से खौफजदा है, और जब तक ये खौफ दूर नहीं होगा, मुजरिमों को शुबे का फायदा मिलता रहेगा, और बेबस गरीबों को कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। तो आपके इस काले गाउन को देखकर उनका खौफ दूर हो जाएगा क्या? मैं बस्ती के लोगों को जुबान, जुबान को हौसला, और हौसले को ताकत देना चाहती हूँ। इतना बड़ा फैसला करने से पहले अगर मेरी इजाजत की जरूरत नहीं थी तो मशवरा ही कर लिया होता। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो खुद से किए जाते हैं। सुनिए, मुझे हाई कोर्ट उतार देंगे? चलिए। ठहरिए, आज आपने इस तराजू को नहीं देखा।
ओए तू सरकारी बैंते सौने किदी जात ना सौने कदों ना सौने ते क्यों सौने ओए जैकेट क्योंकि चोरी की थी हूं तुम कौन हो ओए ओ मैनू पूछना मैं कौन हां मैनू पूछना मैं कौन ओए नू दसो ओए मैं कौन तुम्हें भूख मिटाने के लिए यहां कोई खिड़की खुली नहीं मिली भूख खिड़की तुमने मुझे नहीं पहचाना अगर मैं तुम्हें पहचान गई हूं भीख मांगना बुरी बात है जवान हो कोई काम करो ये लो मैं भीख नहीं मांगता मुझे मकरान खान का पता चाहिए कौन है वो क्या करता है ठेकेदार है बहुत बड़ा तुम उसे जानती हो नहीं मैं तो नहीं जानती हो सकता है डैडी उसे जानते हो तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है खून का रिश्ता अगर आप लोग हमसे तावन करें तो इन गंदी झोंपड़ियों की बजाय हम तुमको साफ सुथरे क्वार्टर बना के देंगे ये गंदी बस्ती हमारे लिए चंगी बस्ती है ये बस्ती खाली नहीं होगी आगे खड़ो हो गया जो नीली छल्ली ली ये खाली नहीं होगी यहाँ पर अस्पताल होगा तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल होगा और डाखाना होगा अच्छा डाखाना भी बच्चों के लिए होगा ताकि बच्चे जमदे जानते तो अडेले पोस्ट करते जाइए कान खोल कर सुन लीजिए सेठ साहब जब तक हम लोग जिंदा है इसी बस्ती में रहेंगे और जब मर जाएंगे तो यही बस्ती हमारा कब्रस्तान होगा अंडरस्टैंड तो फिर मुझे कानूनी चारा जोई करनी होगी आपको इजाजत है कि आप कौन सी मर्जी जोई कर लें चारा जोई करें या गुदावा जोई करें यह बस्ती खाली नहीं होगी मैं तुम्हारे फायदे की सोच रहा हूँ और तुम अपने नुकसान की तरफ जा रहे हो हमारा नुकसान या फायदा हम खुद सोच सकते हैं आपको हमारा फायदा सोचने की जरूरत नहीं आप क्या हमारे मामे लगते हैं ये हम बस्ते नहीं छोड़ेंगे छोड़े नहीं छोड़ेंगे तुम जरूर इतला देनी थी अगला समझ के सर रही है मुझे तुम यहाँ क्या कर रही हो डैडी ये एक कौन है ये गाड़ी में बैठो मेरी बात तो सुने मैं कहता हूँ गाड़ी में बैठो जी ये सेठ अब्दुल रहमान की बेटी है तू बड़े यकीन नाल कह रहे हैं तू की लेडी ब्लिंगटन का चूड़ा है मुंह कटिया जो कड़ी साहब का पुरुष है क्यों भी काका बली कौन हो तुम मुझे मालूम नहीं तो कहां से आए हो ये भी नहीं जानता एक सवाल और यहां क्या करने आए मुझे एक शख्स की तलाश है ओए, अच्छा अच्छा तो उसने यहां का पता दिया था नहीं अच्छा उसने पता भी नहीं दिया इस शख्स की तलाश भी है ये भी पता नहीं कौन हो कहां से आए हो ओए, तो इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारे यहाँ रहने का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा मेरे साथ वाली कोठरी खाली है इसे यही भेज दो बस साथ वाली कोठरी में रहेगा ये बंदे का बच्चा है पेड़ का बच्चा नहीं है साथ वाली कोठरी में रहेगा टोकरा चुप के खड़ो गई ये शकीन को घी होगी ओ मैं क्या उस्ताद जी पापा की बात को छोड़े अच्छा ये लड़का आज से हमारी दुकान में सोएगा क्यों वैसे भी मेरे ख्याल में ये रंग साजी अच्छी करता है अच्छी करता है बेबे की चुनी लगाई मुंह कटिया जी सेवियां घोड़ी उस्ताद जी हम इसको अपनी दुकान में रख लेते हैं हमें एक आदमी की जरूरत है बोलो ये बच्चा
आदमी की तेन जरूरत है, मैं तेन आदमी होर लिया मूह कटिया जी कड़ा वाली अर्दी पहलवान जी, जी मेरी एक रिक्वेस्ट है। ये तानू दे दी। हाँ हम दोनों मांग मांग के खूब फिल्में देखेंगे आज करेंगे। साईं अख्तर दे लड़के है कुछ हया कर। हाय हाय दफा मैं तारे किसे काम की चीज नहीं है। आ तुसी मैनू दे ये बाल को बाल है तुसी मैनू ले चलो। हाय मामा पर की आई ना ट्रक थले। ये आपने कैसे अंदाजा लगा लिया डैडी कि वो आवारा लड़का है? उसका हुलिया ही ऐसा था। किसी गरीब आदमी की जेब में 100 रुपए का नोट हो तो वो जेब कचरा है, और अगर जेब फटी हुई हो तो वो आवारा है। तुम कहना क्या चाहती हो? बस्ती वालों से भी आपको इसीलिए नफरत है ना कि उनके पसीने से गुर्बत की बू आती है? ऐसी बातें कॉलेज के मुबाइसों में अच्छी लगती है मगर अमली जिंदगी में नहीं। इसीलिए आप छोटी छोटी खुशियों से बसाई हुई बस्ती को गिराकर शॉपिंग प्लाजा तामीर करना चाहते हैं। ये बदतमीजी की बात है। ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है डैडी कि हम गरीबों का खून चूसें और ये भी कहें कि उसका जायका खराब है। शट अप। इस बस्ती के लोगों को ये बस्ती खाली करने के लिए जो मोहलत दी गई थी वो खत्म हो चुकी है। अदालत का हुक्म है कि आप ये बस्ती फौरी तौर पर खाली कर दें, और इस हुक्म पर अमल करना आप सबका फर्ज है। अगर आपने ये बस्ती खाली नहीं की तो फिर हमें ये बस्ती जबरदस्ती खाली करानी पड़ेगी। जब तक हमें सच छुपाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिलती हम ये बस्ती नहीं छोड़ेंगे। अदालत के फैसले के मुताबिक आप लोगों का इस जगह पर कब्जा नाजायज है, लिहाजा आपको इसके बदले में कोई जगह नहीं मिल सकती। हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो फिर हमें अदालत के हुक्म की तामील करना होगी। मेरे आदमी तुम्हारा सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे, बस्ती गिरा दी जाएगी, हम कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर हैं। जानता नहीं मैं कौन, तेरा रुमान लेना पड़ेगा। तुम कौन होती हो अदालत की कार्रवाई में दखल देने वाली? मेरे पास भी अदालत ही का हुक्म है, हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर दिखाओ। चलें, वापस चलें। जहां जहां से सामान उठाया गया है वापस रखा जाए। सामान वापस रखा जाए। हूं पता लगे सी होना जान पी अच्छा मैं तेरे बूथे गंडा माना गंडा पागल जहा छाप खड़े ने बेगम साहब जी, हम आपका किस तरह शुक्रिया अदा करें? मुझे शुक्रिया के लिए तुम लोगों की दुआओं की जरूरत है। खुद आपको खुश रखे, आपका भला करे, हम बहुत कमजोर लोग हैं बेगम साहब जी। कानून कमजोरों की ताकत होता है। कानून हमेशा कमजोर की ताकत होता है, और ताकत के अपने कुछ उसूल होते हैं। आप कहें तो हम इस बस्ती को ताकत के तौर पे खाली करा दें? नहीं,
ताकत हमेशा पीछे रहती है और सिर्फ एक महाज पर नहीं लड़ती। एक तरफ मेरे वकील अदालत में कानून के साथ झगड़ रहे थे तो दूसरी तरफ मेरे आदमी बस्ती में दाखिल हो जाएंगे। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें गुंडागर्दी करते हुए शर्म नहीं आती? तुम कहाँ होती हो हमें रोकने वाली? खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए तो। Thank you.
के रिपोर्ट के मुताबिक इसने यहाँ गुंडागर्दी की है। इसने गुंडागर्दी की है, बल्कि इसने दुनिया लोगों को बचाया है। इसके एक आदमी ने मेरे ऊपर हमला किया था। ये बेचारा ना होता तो ना जाने क्या हो जाता। आप कानून को अच्छी तरह जानती हैं। अगर गुंडागर्दी हुई थी तो रिपोर्ट बस्ती वालों की तरफ से होनी चाहिए थी, इनकी तरफ से नहीं। मगर मैं इस वाकई की चश्मदीद गवाह हूँ। गवाहियां अदालत में होती हैं वकील साहब। क्या नाम है तुम्हारा? बाबर। कहाँ रहते हो? मालूम नहीं। बाप का नाम? भूल चुका हूँ। और माँ यकीनन तुम्हारा नाम भूल चुकी होगी। मेरी माँ वो सड़क है जिसकी गोद में मैं सोता हूँ। आवारा होने के साथ साथ बदतमीज भी। हो सकता है मुलजिम का बयान दुरुस्त हो सकता है। ले चलो इसे, अभी पता चल जाएगा। अगरचे उस लड़के ने गुंडागर्दी का मुजाहरा किया है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया, मगर मैं उसकी जमानत करा सकता हूँ। बाबर ने जिन लोगों के लिए मार खाई है डैडी, वो उसके लिए जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बस्ती वाले उसकी जमानत भी कराएंगे और मुकदमा भी लड़ेंगे। तुम मुकदमा लड़ने की बात करती हो? उसे उस खौफजदा बस्ती से अपने हक में एक गवाह भी नहीं मिलेगा। उसकी जमानत मैं कराऊंगी। तुम ऐसा नहीं करोगी। मुझे कानून की मदद करने से कोई नहीं रोक सकता।
तुम इस मुलजिम को लेकर कचहरी पहुंचो, मैं आता हूं। बेहतर सर। क्या बाबरे बाहर निकले और जमानत आ गई क्या? मेरी जमानत आ गई है ना? हो तेरी नहीं तो मेरी आनी है। ओए ओ तू ही था नहीं जिन्हें मैंने पूछा थी तू कौन है? उन्हें पता लग गई मैं कौन है। केड़े जुर्म तू फरे गए? पता नहीं, मैंने जो पता है तू जरूर किसी डाढ़े बंदे ने पूछा होना है। और तू कौन है? नहीं मैंने तो नहीं, मैंने तो अगर आगे अखरो ऐसे करो तब है। नहीं मैंने तो गलाम प्यार कर दे कुकुया ना हो बेटे। चलो आगे आगे ओशदाईया अंदर जाके डिप्टी साहब ने पूछ ली कि तू कौन है। देख ले तमाम कागजात पूरे हैं। देख लें ठीक है। मुल्जम बाबर हाजिर है जनाब अली। इजाजत। या चलो बेटे। कहाँ? फिलहाल थाने से बाहर। बीबी जी खाना लगा दो। साहब आए तो लगाना। अरे ये तो बिल्कुल पूरे है तुम्हें। वाह वाह लगता है जैसे तुम्हारे लिए इसलिए हो। जरा घूम के दिखाओ। ये किसके कपड़े हैं? मेरे बेटे के। कहाँ है आपका बेटा? आंखों से बहुत दूर मगर दिल के बहुत करीब। यहाँ आता नहीं? आता भी नहीं और कहीं जाता भी नहीं। मालूम होता है वो आपसे बहुत नाराज है। नाराज? हाँ खैर छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये बताओ कि तुमने उस दिन सरक को अपनी माँ क्यों कहा था? माँ वही तो होती है जो बच्चों को अपनी गोद में सुलाती है, और मेरे जैसे यतीमों के लिए सरक के अलावा और कौन सी माँ हो सकती है? अगर तुम्हें माँ मिल जाए तो? माँ? हाँ बेटे समझ लो कि आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी माँ? हाँ बेटे अब तो तुम यतीम नहीं रहे। आधे यतीम तो फिर भी हूँ माँ। किसी को अबू कहकर भी पुकारना चाहता हूँ। आप ठहरे मैं देख कर आता हूँ। आप यहां भी आ गए? क्या मतलब? अभी तो मेरी मां मेरी जमानत करा के लाई है। मां? अब मैंने क्या जुर्म किया है? कौन सी गुंडागर्दी की है? नहीं बाबर घबराओ नहीं, ये तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आए, ये तो मेरे शौहर है। ये सब क्या मजाक है? मजाक? ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है? इसे मैं अपने साथ लाई हूँ। क्यों? इसलिए कि इस बिचारे को एक वकील की हैसियत से आप किसी भी चोर उचक्के की जमानत करा सकती हैं, किसी भी आवारा बदमाश और गुंडे को अदालत में बेकसूर बेगुनाह और बेचारा साबित कर सकती हैं। लेकिन बेगम साहिबा ये मेरा घर है और आप यहाँ वकील नहीं मेरी बीवी है। अगर हमारा घर अदालत नहीं तो फिर थाना और कोतवाली भी नहीं,
अगर आपकी बीवी यहाँ वकील नहीं तो फिर आप ही केस भी नहीं, मेरे शौहर है। आपका शौहर अपने दफ्तर से फाइलें उठाकर घर पर नहीं लाता, आप भी किसी हवालाती मुजरिम को मेरे घर के ड्राइंग रूम में नहीं ला सकते। यही तो फर्क है एक पुलिस ऑफिसर और एक वकील में, एक हर मुलजिम को मुजरिम समझता है और दूसरा इस सिलसिले में आखिरी अदालत के आखिरी फैसले का इंतजार करता है। तो फिर मेरा आखिरी फैसला भी सुन लीजिए, जो शख्स अपनी वल्दियत, अपना शहर, अपना पता नहीं बता सकता वो आवारा है और कोई आवारा मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकता। हम मियां बीवी होने के अलावा सी बच्चे के वालदैन भी तो है, और क्या पता उसे भी अपने माँ बाप, अपने शहर और अपने बारे में कुछ पता ना। हर बात जज्बाती अंदाज से सोचती हूँ। बाबर, तुम कहाँ जा रहे हो बेटे? अपनी माँ के पास। माँ के पास? कहाँ? सड़क पर, इसलिए कि माएं तब्दील नहीं हुआ करती। जरीन, मैंने डॉक्टर अकबर को फोन किया था, वो कहता है तुम डिप्रेशन का शिकार मालूम होती हो, दवाई भेज रहे। डिप्रेशन के लिए कौन सी दवा होती है? भेज देगा कोई सूदिन ट्रैंकुलाइजर। जान, मुझे कुछ यूं लगता है जैसे हमने कोई चीज पाकर खो दी, कोई खुशी मिली और हमने जाया कर दी। मैं जानता हूं जरी, तुम्हें वो लड़का याद आ रहा है जिसकी तुमने जमानत कराई थी। जान, उसने जाते हुए ये क्यों कहा कि माएं तब्दील नहीं हुआ करती? उसने ठीक कहा था जरी, कोई गैर औरत मां की जगह नहीं ले सकती। जिस तरह अपने बच्चे का कोई बच्चा नहीं उल्ट बदल नहीं हो सकता, और अगर हो सकता तो हम भी किसी यतीम खाने से कोई बच्चा गोद ले लेते। मालूम नहीं क्यों बाबर को देखकर मेरी ममता बेचैन क्यों हो गई थी, उसकी आंखें देखी हुई, उसकी आवाज सुनी हुई लगती थी। मैं बेटे देखो, अपनी माँ को समझाओ कैसी उलट पुलट बातें कर। साहब जी, क्या बात? जी, लुबना बीबी आई है। लुबना बीबी, उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। बेटी, तुम्हें बाबर का कुछ पता है? बाबर को? उसकी तो आप जमानत करा के अपने घर ले आई थी। हाँ, वो आया भी और चला भी गया। कहाँ चला गया? अपने माँ के पास। माँ के पास? वो तो कहता था उसका कोई भी नहीं है। जिनका कोई नहीं होता वो सड़कों की गोद में पनाह लेते हैं और जमाने की गर्द में गुम हो जाते हैं। हो सके तो उसे ढूंढो बेटी, अगर अगर वो मिल जाए
तो उसे सिर्फ इतना कह देना कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती है, बहुत याद करती है। उनकी बहुत बड़ी कोठी है। जिनकी बड़ी कोठियाँ होती है ना, उनके दिल बहुत छोटे होते हैं। दो कारें हैं, एक सरकारी दूसरी बेगम साहब की। कारें याद आ रही हैं, तो रह जाते ना वहीं कारें साफ करने के लिए। मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था, तू ऐसे ही नाराज हो गई। कोई और बात करनी नहीं आती तुम्हें अच्छी सी? तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? कभी मुझसे मेरे बारे में भी बात किया करो। तुमसे तो तुम्हारे बारे में सब बातें करते हैं। मगर जिसे मैं सुनना चाहती हूँ उसका ध्यान तो कारों और कोठियों की तरफ है। अच्छा, अब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में बातें करूँगा। सच? आओ बैठो, चले। कहाँ? मकरान खान के पास। मकरान खान का घर कितनी दूर है? मकरान खान? मैंने तो मजाक किया था। मजाक? गाड़ी रोको। रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे इस छोटे से मजाक पर तुम इस कदर नाराज हो जाओगे। तुम्हारे इस छोटे से मजाक ने मेरा एक एक जख्म ताजा कर दिया है। तुमने मुझे कभी अपना कोई जख्म नहीं दिखाया। मेरे जख्म इतने गहरे हैं कि तुम देख नहीं सकोगी, और इतने ज्यादा हैं कि गिन नहीं सकोगी। मेरी किस्मत की वो लकीरें जो एक नकली खुदा ने 15 साल में बनाई है। अपने ये जख्म मुझे दे दो, मैं इन पर अपने प्यार का मरहम लगाऊंगी। नहीं, मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास अपना नाम तक नहीं है। इतना कमजोर हूं कि इंतकाम के सिवा और कोई बोझ नहीं उठा सकता। हमारा प्यार हमारा नाम होगा।
शिकायत है प्यारे इंसान की जरूरत है। मारते हो इसे? इसे इस बच्चे को अगवा किया है। मारो इसे, इसे थाने ले चलो। मैं जरीन भाभी के जज्बात की कदर करता हूँ, मगर जमाल साहब ये बस्ती मुजरिमों की परागाह बन चुकी है, जहाँ पर इंतहाई पोश हरकत और गुंडागर्दी का मुजाहरा होता है। बच्चा जा रहा है, उसको पकड़ के ले पुलिस वाले। गोली मार देना चाहिए बशीर। ये कैसा शोर है? एक पर्दा फोड़ पड़ा गया जनाब अली। अंदर बुलाओ। देख लें, ये वही लड़का है और उसी बस्ती से है। हाँ, क्या बात? ये नौजवान इस बच्चे को उठाकर भाग जाता जनाब अली कि लोगों ने इसे पकड़ लिया। नहीं नहीं, वो दूसरा लड़का दोस्त मेरे पीछे भागे थे, इन्होंने तो मुझे बताया है। तमाम वाकयात खोलकर बयान करो। कहाँ से शुरू करूं, अपने आप से या इस बच्चे से? क्या मतलब? इन 15 मिनटों में जो कुछ हुआ वो सुनेंगे या वो सुनाऊं जो पिछले 15 साल में बीती? मैं अभी तक नहीं समझ सका। इस मासूम के साथ भी वही कुछ होने वाला था जो मेरे साथ हो चुका है। क्या हो चुका है तुम्हारे? मैं इतना ही था जब मेरे मां बाप को मेरे सामने कत्ल कर दिया गया। वो मुझे
उठाकर ले गए और मेरे बाजू पर बदनसीबी की ये मोहर लगा दी। ये कब की बात है? मुझे पूरी तरह से कुछ भी याद नहीं, कहीं कहीं से कुछ कुछ। हो गई ना आखिर तुमसे भी वही गलती। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेठ, ये क्या? इसकी जरूरत इसलिए पेश आई कि बसों का कैंपों की निगरानी करने में नाकाम हो गया है। नहीं, नहीं। बजूका की जिंदगी में नाकामी नाम की कोई चीज नहीं है। तो फिर 303 भागने में कामयाब कैसे हुआ? उसे तो गोली मार दी गई थी। मुझे भी यही बताया गया था, मगर वो आज भी बाबर के नाम से जिंदा है और मकरान खान की तलाश में। तलाश के साथ उसकी सांसें भी रोक देता, लेकिन आज मेरे बेटे की सालगिरह ने उसे एक दिन और सांस लेने की मोहलत दे दी है। मैं जानता हूं कि बेटे के सालगिरह के दिन तुम कोई काम नहीं करते। तो फिर कल इस बात पर यकीन कर लेना कि उसे गोली मार दी गई। बाबर ने बताया है कि उसे अपना असली नाम याद नहीं। ये नाम उसे बेगार कैंप में एक बूढ़े ने दिया था। किस शहर और कहां से अगवा हुआ था? जिसे अपना नाम तक याद नहीं उसे अपना पता क्या याद होगा तुझे? क्या उम्र थी? जिस उम्र में खिलौनों की भी पहचान नहीं होती, उसके जहन में अगर कोई चीज महफूज है तो वो सिर्फ एक सुर्ख रंग का बस्ता है। सुर्ख रंग का बस्ता? हाँ, सफेद दस्ताने। सफेद दस्ताने और बहुत से रंगों के गुब्बारे। और बहुत से रंगों के गुब्बारे। तुम्हारी तरह इन बातों पर मैं भी चौंका था तभी, लेकिन वो कहता है कि उसके मां बाप मर चुके। कहीं वो भी यही ना समझ रहा हो कि हम मर चुके हैं। कौन? हमारा बेटा? पता है, आज मेरी सालगिरह मेरे अब्बू भी आएंगे। तुम्हारे अब्बू कहाँ होते हैं? दूर बर्फों में। आपने बर्फ देखी है? बहुत देखी है। वो आ गया मेरा घर। अच्छा, तो फिर तुम जाओ। आप नहीं जाएंगे? मैं यहीं रुकता हूँ, तुम जाओ। खुदा हाफिज। आदिल को छुट्टी कितने बजे होती है? इस वक्त तक तो आ जाता है। शायद खेलने लग पड़ा हो दोस्तों के साथ। मैं उसे खुद जाकर ले आता। अरे नहीं, आप बैठे, अभी आ जाता है। अच्छा आप ये बताइए, कितना काम रह गया ठेकेदारी का? कौन? क्या? ओ, बहुत काम बाकी है अभी। इस साल तो बहुत बर्फ पड़ी होगी। हाँ हाँ, बहुत बर्फ पड़ी इस दफा। ये काम यहाँ शहर में भी हो सकता है। कौन सा काम? ठेकेदारी का। हो सकता है। आदिल अब बड़ा हो गया है, आपको उसके करीब रहना चाहिए। बहुत पूछता है आपके बारे में,
तरह तरह के सवाल करता है मुझसे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बेटा। मेरे लिए क्या लाए हो? ओ जी हम आपके लिए देखिए ना क्या कुछ लेकर आए हैं, इतने इतने अच्छे खिलौने, किताबें, टॉफियां, और क्या चाहिए आपको? नहीं मैं कोट लूंगा। लेकिन आप करेंगे क्या बेटे इस बड़े कोट का? मुझे सर्दी लगती है, मैं पहनूंगा। ओ मेरा बेटा। अरे तू तो कह रहा था अब्बू आएंगे तो बर्फ देखने जाएंगे, बोलो ना। अबू इसीलिए तो मैं कोट मांग रहा, मैंने भी बर्फ़ देखने जानी है। ओ भाई अब अपने बेटे को बिल्कुल इसी तरह का कोट लेके देंगे, ठीक है? ठीक है। बाबर साहब मैं जनाब उन लपन ली कदी छुट्टी रही है। क्यों? बैठो ना एक मिनट ली, एक मिनट ली ऐसे ही बैठो, तानू मैं दसा। नो 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 तुहाडे कपड़े खराब हो जाएंगे। ऐसे जनाब बाबर साहब तुहाडा डिप्टी साहब के घर आना जाना है, मेरा तबादला किसी चंगे थाने करा दो। कौन से थाने? टिब्बी थाने जाए मल्ला। क्या वो बहुत अच्छी जगह है? हाय वो जेदा ना ही जाए मल्ला है, अगे तुसी आपे सोच लो। नहीं नहीं ये काम नहीं कर सकता। मैं ना कहना मैं मर जाऊंगा। डिप्टी साहब मेरा अपने घर में आना जाना पसंद नहीं करते। एदा मतलब या मेरी छुट्टी बर्बाद ही गई, लान दीजिए। तुम तो मकरान खान को जानते हो? आहो चंगी तरह जानना। वो कहाँ रहता है? कब्रिस्तान मेरा मामा सौरा जी 15 साल हो गए मर गया। पूछ और पूछ सगाई गया हूं पूछता नहीं। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपने मुकदमा जीत लिया है। आप ये बस्ती आप लोगों की है, आपको अब यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। हजरत मैं तो पहले आप सब लोगों को आख रहा था कि ये बस्ती हमसे कोई नहीं खो सकता है, बल्कि हमारा कुछ भी कोई नहीं खो सकता है, बशर्ते कि आप एक बंदे के पीछे पीछे आए, बिल्कुल इस तरह के चोर के पीछे। नहीं हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चोर के पीछे पुलिस आती है या मालिक के पीछे कुत्ते आते हैं। बस बस जैक डिंगे ना मारो। क्या ना मारो? डिंगे। अच्छा ये शांत तुम्हारा नहीं बेगम साहिबा का है, जिसे हम सारी जिंदगी नहीं भुला सकते। झूठ, बिल्कुल झूठ, तुम तो अपने पिछलियों को भूल गई हो, एहसान किस तरह नहीं भूलोगी? इसमें एहसान की क्या बात है, ये आपका कानूनी हक था, अब ये बस्ती आप लोगों की मिल्कियत है, आपका फर्ज है कि इसकी हिफाजत करें। बात सब लोग मिलकर दुआ करें कि मैं इसी तरह आप लोगों की रंगदार खिदमत करता रहूं और अल्लाह ताला बेगम साहबा की गोद हरी करे, चाहे गोद में पूतना बीज ले। मुझे अपने एक मफरूर मुजरिम की तलाश है और तलाशी लेने का मेरा यही अंदाज है। तुम किसी मफरूर की तलाश में नहीं, खुद अपनी मौत की तलाश में हो। बस्ती वालों मेरे मफरूर मुजरिम बाबर को फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना इसी तरह सारी बस्ती की तलाशी लूंगा और तुम्हारी ये बस्ती, तुम्हारे ये घर तुम्हारे लिए कपड़े बन जाएंगे। बाबर को किसी हालत में भी तुम जैसे वैश्य दलने के हवाले नहीं किया जा सकता। अगर बस्ती वालों का भी यही फैसला है तो मेरी वैश्य, मेरी चरिंदगी यही काम दिखाएगी। लोहे की मशीन का सहारा लेने वाले बुजदिल आदमी, अगर हिम्मत है तो नीचे उतर कर बात कर। कुछ कीड़े महज चूतों से कुचलने के काबिल होते हैं,
अगर तुम इतनी सी बुलंदी से इन लोगों को कीड़े मकोड़े समझ रहे हो तो अंदाजा लगाओ उस खुदा के सामने तुम कितने हकीर हो जो अर्श की बुलंदियों से तुम्हें देख रहा है। ये अंदाजा तू खुद क्यों नहीं लगा लेती औरत? चलाऊंगा और हर गोली के बाद एक नया सांस लेने का वक्फा होगा और तीसरी गोली इस औरत की खोपड़ी के पार होगी। बाबर को मेरे हवाले करने की सिर्फ यही मोहलत है। खबरदार, अगर किसी ने बाबर का बताया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं बता दूंगी। नहीं, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। कर लो कि 303 को गोली मार दी गई है तो गोया वो जिंदा है। मैं तुमसे नाकामी की वजह नहीं पूछूंगा। इससे पहले कि तुम्हारी जिद मुझे बेनकाब कर दे तुम कैंप वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। बाबर को आप खुद खत्म करो। नहीं, बाबर को कोई नहीं मार सकता। मैं भाग जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं भाग जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी।
बिन सोचे बिन समझे हो गई तेरी मेरी शादी। बल्ला बिन सोचे बिन समझे हो गई तेरी मेरी शादी, अपनी मर्जी से कर ली हमने ये खाना आबादी। तुम दुल्हन बनी हम दूल्हा बने हो तुम, दुल्हन बनी हम दूल्हा बने। सुना दी अपनी मर्जी से कर ली हमने ये खाना आबादी। तुम दुल्हन बनी हम दूल्हा बने, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम मेरा सनम।
बिल्कुल ऐसा है। खुशी और क्या हो सकती है कि बेगम साहबा ने हमको ये बस्ती दिलाई और अल्लाह ताला ने इनको ये बच्चा दिलाया। ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि हम एक वक्त में दो खुशियां देख रहे हैं। क्या ख्याल है बेगम साहब, इस खुशी के मौके पे कोई ठाट ठैया ना किया जाए? मेरी जिद पूरी नहीं हो जाती, यह धुआं निकलता रहेगा। मेरा मुजरिम मेरे हवाले कर दो। नहीं, ये नहीं होगा। हमारे होते हुए तुम इसे नहीं ले जा सकते। मेरे इंतकाम के रास्ते में लाशें दीवार नहीं बन सकती। अपने बेटे की हिफाजत के लिए मेरी ममता ही काफी है। चलो। नहीं मां, समझ लेना कि तुम्हारा बेटा तुम्हें मिला ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि एक बेटे की खातिर तुम इतने बहुत सारे बेटे कुर्बान कर दो? नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। छोड़ दो इसे। नहीं, अगर इस औरत की यही जिद है तो इसे भी साथ ले चलो। जमाल साहब कहाँ है और तुम्हारी हालत किसने बनाई? जंद गुंडा किस्म के लोग आए और साहब को जबरदस्ती ले गए। जमाल साहब को कौन अगवा कर सकता है? मकरान खान, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उन्होंने जमाल साहब के साथ उनकी बीवी और बाबर को भी अगवा किया है। ये आग मैंने 15 साल पहले उस वक्त लगाई थी डीएसपी जमाल साहब, जब मैंने तुम्हारा बच्चा अगवा करवाया था। और आज मैंने तुम्हारा पूरा खानदान अगवा करवाया है। इसका तुम्हें ज्यादा सदमा नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारे बहुत करीब हैं। मगर मुझे अफसोस है कि इस बारूद के धमाके के बाद तुम्हारे जिस्म के कुछ पुर्जे ही अपनी बीवी और बच्चे को मरता हुआ देख सकेंगे। Thank you.
इस औरत की आंखों की पट्टी खोल दो ताकि इसे यह मालूम हो जाए कि इसकी जिद से कहां ले आई है। मैं कहां हूं? 303 की आंखों की पट्टी भी खोल दो ताकि आखिरी बार देख सके कि ये वही कैंप है जहां से ये भागा था। तो क्या हम? हाँ, तुम बेगार कैंप में हो जहां हम मजबूरों को, जरूरतमंदों को आबादियों से हाँक कर लाते हैं और यहां सिर्फ एक ही कानून चलता है, ताकत का कानून। तुमने कैसे कैसे आंगन उजाड़ दिए हैं और कितनी माओं की गोद वीरान की है। यहां किसी का कोई नाम नहीं, कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ नंबर है। नंबर नंबर जानवरों पर लगाए जाते हैं, इंसानों पर नहीं। इंसान होंगे अपने माँ बाप के लिए, मेरे लिए तो सिर्फ जानवर है जानवर। मट्टी खोदने वाले, पत्थर उठाने वाले और पत्थर तोड़ने वाले जानवर। अब इन्हें जानवर मत कहो, इसलिए कि मैं इस वक्त माओ की गोद से छीनने वाले हर बच्चे की माँ हूं। किस किस की माँ बनोगी, इनकी या इनकी? इसकी माँ भी मैं बनूंगी। हाँ हाँ, मैं सबकी माँ बनूंगी। क्या हुआ इस बच्चे को? रास्ते में गाड़ी उलट गई थी, शायद ये मर गया है। ओहो हो 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 हो, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी ममता ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेगी? आदिल, ये आदिल कौन है बेटा? वही बच्चा जिसे मैंने अगवा होने से बचाया था। कहता था उसका बाप दूर, बहुत दूर वहां होता है जहां बर्फ गिरती है। ये इसका अपना बेटा है। इसका बेटा, इसका अपना बेटा? हसो और कहकर लगा, अब तुम चुप क्यों हो गए? तुम तो किसी रिश्ते को नहीं पहचानते, पर परेशान क्यों हो? कहो, एक बार फिर कहो, यहां किसी का कोई रिश्ता नहीं, कोई नाम नहीं, किसी का कोई बेटा नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बेटा नहीं।
सर्दी लगती है, मुझे बड़ा कोट दे दो। मेरे भाई की भी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी बेगम सरीन जमाल। सेठ अब्दुल रहमान मकरान खान, उसी सुल्तान खान का भाई जिसे तुमने और तुम्हारे शौहर ने फांसी के तख्ते पर लटका दिया था। वो मुजरिम था, उसने सजा पाई। वहां वो मुजरिम था और यहां तुम मुजरिम हो। वहां मेरा भाई मारा गया और यहां तुम्हारा बेटा मरेगा। तुम्हारी मुजरिम मैं हूं तो सजा मुझे दो, मेरे बेटे को नहीं। मेरे कानून में सजा नहीं होती, इंतकाम होता है। दुश्मन को एक ही बार कत्ल नहीं किया जाता, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से दर्दनाक किस्तों में खत्म किया जाता है। मुझे मार डालो, उसका कोई कुतूर नहीं है। मुझे मार डालो, उसे छोड़ दो। नहीं, नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसका कोई कुतूर नहीं है। मुझे मार डालो, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसका कोई कुतूर नहीं है। बंदूक की गोली तुम्हारे बेटे तक पहुंचने के लिए जितना वक्त लेगी वही तुम्हारे बेटे की जिंदगी है। जहाँ बंदूक का ट्रिगर दबेगा वहां बारूद तुम्हारे बेटे को खत्म कर देगा। मकरान खान, बारूद तुम्हारे पीछे है। बजूका, ये क्या है? आज 303 की मार जीत गई है और आदिल का बाप हार गया है। इसके साथ साथ तुम भी हार गए हो मकरान खान। क्या मतलब? तूने अपने भाई की मौत का बदला लेना है, लेकिन मैंने भी एक कफारा अदा करना है, तेरा और अपना हिसाब चुकाना है। ये तुम क्या कह रहे हो बजूका? आज इस कैंप के पास मैंने अपने हाथों से एक छोटी सी बर्फ की ठेरी बनाई है मकरान खान, और उसके साथ ये वादा भी किया है कि आज के बाद कोई बेगर कैंप नहीं बनेगा, नहीं बनने दूंगा, नहीं बनेगा। नहीं, फायर न करना, वरना इस जालिम के साथ इस कैंप में कैद बहुत सारे आदिल और बाबर भी इसके साथ खत्म हो जाएंगे। अगर अपनी और इसकी जिंदगी चाहते हो तो बजूका फेंक दो, नहीं तो मेरे एक इशारे से सब कुछ राख में बदल जाएगा। शायद तुम भूल रहे हो बजूका कि तुम मकरान खान के कैंप में खड़े हो। यहां का हर आदमी मेरे इशारे का मोहताज है। आपको पुलिस के हवाले कर दो,
मैं यहां अब्दुर्रहमान नहीं मकरान खान हूं। तो फिर अपने आप को बाबर के बाप के हवाले कर दो।
जब तक मेरी जिद पूरी नहीं होगी ये धुआं इसी तरह निकलता रहेगा। शायद इसकी जिद अभी पूरी नहीं हुई। वो घरों को उजाड़ने की जिद थी, ये बेगार कैंपों को तबाह करने की जिद है। आज से इसकी ये जिद मेरी जिद है।